रणदीप हुड्डा अपनी शादी के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। रणदीप हुड्डा एक बार फिर अपनी फिल्म सावरकर में दमदार एक्टिंग से चर्चा में है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा को जनता ने हमेशा उनके दमदार काम के लिए खूब सराहा है। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर फिल्में चुनी है और उनमें अपनी पूरी जान झोंकी है। अब रणदीप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से उस एक की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसकी शख्सियत राजनीति और इतिहास में विवादों का भी खूब हिस्सा रही है। रणदीप हुड्डा स्टारर स्वतंत्रीय वीर सावरकर का ट्रेलर आ गया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। फिल्म का टीजर पिछले साल रिलीज किया गया था और इसमें विनायक दामोदर सावरकर के रोल में रणदीप को देखकर जनता बहुत इंप्रेस हुई थी। फिल्म टली और अब आखिरकार बड़े पर्दे तक आने के लिए तैयार है। सावरकर के ट्रेलर में रणदीप को देखने के बाद फिल्म देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी। सावरकर फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल वीर सावरकर के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में उनका किरदार निभा रहे हुड्डा ने खुद को इस रोल के लिए जितना ट्रांसफॉर्म किया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। पूरा ट्रेलर ही रणदीप के जानदार काम की गवाही दे रहा है। हम सबको पता है भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली है, ये वो कहानी नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अपनी शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए हमेशा से जनता के फेवरेट एक्टर्स में से एक रहे रणदीप हुड्डा अब डायरेक्टर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर में सिर्फ लीड रोल ही नहीं निभाया बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया है। जब ये फिल्म अनाउंस हुई तो इसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसकी वजह रणदीप से अपना क्रिएटिव डिफरेंस बताया। मांजरेकर ने ये भी कहा था कि फिल्म मेकिंग के दौरान रणदीप अपने किरदार सावरकर को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगे और फिल्म में बहुत ज्यादा बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। मांजरेकर के जाने के बाद सावरकर की कमान रणदीप ने संभाली। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।